हेलो दोस्तों, मैं हमजा रौनक, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल HR व्लॉग्स में। सो गाइस, थंबनेल देख के आप सभी को मालूम पड़ गया रहेगा मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, ये देखिए, ये है पैनियर्स मेरी रैपिडो के लिए। सो आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले ये पैनियर्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ, फिर मैंने और एक मॉडिफिकेशंस किए बाइक में। सो उसके बारे में बात करेंगे, वो मॉडिफिकेशन क्या है वो मैं आपको पैनियर्स के बाद बताऊँगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। ये दो पैनियर्स जो मैंने बताया था आपको, सैडल स्टे मैंने रॉयल मैकेनिज्म से करके लिया था, उन्होंने ही मुझे दिए है इसके रिव्यू के लिए। सो ये मैंने बाय नहीं किया है, परचेज नहीं किया है, बस इसकी रिव्यू कर रहा हूँ, मेरी बाइक पे सूट हो रहा है या नहीं, या मैं इससे लॉन्ग राइड पे लेके जा सकता हूँ या नहीं। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये दो पैनियर्स की कैपेसिटी है 36 लीटर्स की, और इसका वेट कुछ 5.5 kg ईच है। ये देखिए, 5.5 kg ईच है, और ये 304 स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। ये देखिए, एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन है ये पूरा, और ऑफ रोडिंग में काफ़ी अच्छा साथ देता है ये। और ये टॉप लोडेड साइड है, मतलब इसका मैं बता देता हूँ आपको, ये सबसे अच्छी बेनिफिट इसकी ये है कि ये 21-24 सारे चारों के चारों लॉक में लग जाती है। सो ये देखिए, ये जैसे हमने ये पुल अप किया, फिर इसे नीचे पुश करना पड़ता है एक मिनट, और ये बाहर खींच लिया तो ये ओपन हो जाता है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा लोड स्पेस है इसमें, काफ़ी बड़ा है। फॉर एग्जांपल, ये रही मेरी कॉलेज की बैग। सो ये पूरे आते हैं यानी, लेट्स सी। ये देखिए दोस्तों, पूरी बैग अच्छे से इसमें फिट हो गई है। ये देखिए स्पेस, देखिए इधर ऊपर भी है, मतलब बंद करने के बाद ऊपर भी स्पेस है। और सबसे अच्छी बेनिफिट इसमें ये है, ये वन साइडेड लॉक नहीं है बल्कि ये टू साइडेड लॉक है, मतलब सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं इसे। सो इसे लॉक कर देते हैं हम पहले, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है लॉक करने का। और दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ, उनकी ब्रांडिंग यहाँ पे है, ये देखिए, ओल्ड स्कूल कस्टम। प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स इसके, ये देखिए रिफ्लेक्टर्स उन्होंने लगा के दिए है। सो अगर आप नाइट ड्राइव कर रहे हो तो पैनियर्स, टेल लाइट बाइक की यहाँ पे है, सो पैनियर्स इतने भार है वो दिखेगा या नहीं, सो उसके लिए रिफ्लेक्टर्स भी लगा के दिए हैं उन्होंने। और सो गाइस, अब बात करते हैं इसके फिटिंग की। तो मैंने जैसे कि कहा था आपको लास्ट व्लॉग नहीं, मतलब इसके पहले की जो मेरी मॉडिफिकेशन की वीडियो है, मैंने उसमें बताया था आप सभी को कि मैंने ये सैडल्स थे इसीलिए लगाए हैं क्योंकि अगर इन फ्यूचर मुझे पैनियर्स लगाना हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सैडल्स थे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये वही सैडल्स थे है, मैंने इजीली पैनियर्स फिट कर लिए इसमें, काफ़ी इजी प्रोसीजर है इसका। और मैंने उस व्लॉग में भी बताया था कि आपको अगर इन फ्यूचर कभी भी निकालने का मन करे सैडल्स से, तो इजीली निकल जाता है और पैनियर्स को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते। सो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है ये, आप सैडल बैग भी लगा सकते हैं, पैनियर्स भी लगा सकते हैं। इसे फिट किया गया है यहाँ पे, ये देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और नीचे से भी इसे फिट किया गया है। ये देखिए, मैं आपको वापस अंदर खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर से फिटेड है यहाँ पे। सो
फॉर सिक्योरिटी रीजंस इसमें कोई भी टेंशन लेने की चीज़ नहीं है, क्योंकि अंदर से बोल्ट फिटेड है। सो काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है इसका। प्लस मुझे इसमें राइडिंग में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई है, मतलब वो तो ऑब्वियसली बॉम्बे के ट्रैफिक में पैनियर्स लेके घूमना वो तो बॉम्बे के ट्रैफिक के लिए है ही नहीं, लॉन्ग राइड पे गए तो ही अच्छा है। सो वेट में बाइक थोड़ी हैवी हो जाती है, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी अच्छी सेफ्टी दे रहा है तो ऑब्वियसली बाइक हैवी होगी। सो वेट में देखने जाए तो थोड़ी बाइक हैवी हो जाती है इसके वजह से। प्लस मुझे ऑफ रोडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, और जो गाड़ी लीन करने के टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इजीली लीन हो जाती है। और ऐसे भी नहीं है पूरा वेट एक साइड आ जाए या कुछ प्रॉब्लम, ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस करने मुझे तो नहीं मिला अब तक, क्योंकि मैं इसे कुछ 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। हाँ 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ मैं। यूज़ करने के बाद ही आप सभी को रिव्यू दे रहा हूँ। मैं पहले रिव्यू दे सकता था, लेकिन सोचा मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मेरे क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मिल रहे हैं मुझे, सो वो सब देख के ही मैं आप सभी को रिव्यू दूँ। सो मुझे तो कोई प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिली है इसमें, बल्कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। ये देखिए पीछे से भी काफ़ी अच्छा लुक दे रही है ये, और जो यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए बाइक को काफ़ी ही बल्की और हैवी लुक मिल जाता है इससे। सो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक ऑफर है, मैंने जहाँ से ये परचेस किया है सैडल स्टैंड और पैनियर्स तो मैंने परचेस नहीं किया है। सो मैंने जहाँ से ये सैडल स्टैंड और बना के लिया है ओल्ड स्कूल कस्टम्स, अगर आप भी वहाँ से ये सब बना के लेते हो तो आप सभी लोग के लिए ऑफ़र है। मैं उनका कॉन्टेक्ट और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अब आते हैं सेकेंड मॉडिफिकेशन पे। सो दोस्तों पहले आप मॉडिफिकेशन देख लो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। सो हैंडल लॉक है, एक मिनट। ये देखिए अब इसमें आप सोचो कि आपको क्या चेंजेस मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है फोक रेजनेंस, जो फोक की हाइट बढ़ाने के लिए मैंने फिट किए गए हैं मेरी रैपिडो पांडा में, क्योंकि यामाहा FZ25 की इतनी हाइट नहीं है फोक की। सो मैं ऑफ रोडिंग के लिए जाता था तो मुझे थोड़ा डर रहता था कि मडगार्ड यहाँ पे टच ना हो जाए, या फिर मडगार्ड टूट ना जाए, या तो फेडिंग में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। सो गाइस मैंने ये मॉडिफिकेशन किया है, ये मैंने वहाँ से नहीं लिया है, ये मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझे कुरियर किया है, उसका कॉन्टेक्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है ये। ये भी मेरे को कुछ 1 महीने पहले ही आ गया था, लेकिन मैंने फिट नहीं किया। मैंने इसके ऊपर पूरा स्टडी किया कि अगर फोक की हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर खड्डे में गाड़ी चली गई, पॉट होल्स में चली गई अचानक से, तो फोक बेंड होने का डर है या कुछ, वो सब स्टडी करने के बाद ही मैंने ये फिट किया है। और मैंने इसे भी यूज़ किया है, मुझे कोई इशू नहीं आया है। मैंने बड़े बड़े पॉट होल्स में भी गाड़ी डाला है जानबूझ के, तो फिर भी मुझे कोई इशू नहीं आया है। सो ये देखिए फिट करने का प्रोसीजर काफ़ी इजी है। ये मुझे फिट वो ओल्ड स्कूल कस्टम में ध्यान भाई है, उन्होंने करके दिया है, मैंने मंगाया था ऑनलाइन मेरे एक फ्रेंड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो पुराना स्टॉक वाला रहता है वो नट लूज़ करना पड़ता है, फोक को नीचे पुश करने का, ये जो रेजनेस है वो ऊपर से फिट करने का, फोक में लगाने का, यहाँ से वापस नट बोल्ट टाइट कर देने का। सो काफ़ी इजी प्रोसीजर है ये, और ये दोनों में मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है दोनों, मतलब फोक में भी प्लस पैनियर्स में भी। मैं हाईवे पे भी काफ़ी अच्छे स्मूथली चलाई है गाड़ी। ये था पूरा रिव्यू पैनियर्स और फोक रेजनेस पे। सो
मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये परचेस करने का। मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे मैं सैडल बैग लगाने का सोच रहा हूँ। सो ये यूज़ करने के बाद अगर माइंडसेट मेरा चेंज हो गया तो डाइवर्ट हो सकता हूँ मैं इस पे, लेकिन अब तक तो कुछ सोचा नहीं है मैंने इसके बारे में। लेकिन लेट्स सी गाइस आगे क्या होता है, सैडल बैग या पैनियर्स। होप सो पैनियर्स पे जाऊँ मैं, लेकिन देखते हैं आगे। और रही बात, मुझे DMs भी आए कि आपने सब मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया लेकिन मोबाइल होल्डर के बारे में नहीं बताया। सो गाइस ये है मोबाइल होल्डर, मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगाया था, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये मोबाइल होल्डर, ये देखिए यहाँ पे किसी ने निकाल लिया मेरा कॉलेज में। हाँ, ये विद चार्जर है और मैंने ये इस तरीके से ये किया, मतलब प्लग इन किया है कि गाड़ी के वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब वो इशू फेस करने मिलता है, एक बार वायर कट होने पर गाड़ी की वारंटी चली जाती है, वैसा कुछ तो रहता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये वायर तो वायर मैंने जॉइंट किया है, कोई भी वायर कट करके ये वायर जॉइंट नहीं किया है। सो काफ़ी अच्छा साथ देता है। एक्चुअली चार्जर ख़राब हो गया है मेरा, ऐसे तो पहले तो काफ़ी अच्छा चार्ज करता था मेरा फ़ोन, लेकिन अभी ख़राब हो गया वो बारिश की वजह से। और वो ये वाला जो मेरा कैप है वो भी निकल गया, सो ख़राब हो गया मेरा चार्जर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल दैट, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड गाइस।